जहरीली शराब के कारण पंजाब दे विच काफ़ी मौतें हो गई ने। उस तो बाद बीजेपी वालों अकाली दल वालों जगह जगह धरने लगाए जा रहे हैं। अज 117 हल्कों के बीजेपी बैठी है धरने, खास करके अमृतसर की गल करिए तो 5 हल्के ने अमृतसर के जिते बीजेपी बैठी है। मेरे नाल राष्ट्रीय सचिव तरुण जी, अज भी 125 मौतें हो गई ने, उनके खिलाफ तुम जहरीली शराब खिलाफ धरना दिता है, क्या सोच रहे हो कि कैप्टन सरकार उन्होंने मुआवजा भी दे चुकी है, उन्होंने नौकरी भी देने का वादा भी किया गया? ऐसा है कि गोंगलियों तो मिट्टी झाड़ी जा रही, मैं उन्होंने परिवारों चो के आया, चाहे वह तरन तारण ने, चाहे बटाले ने, चाहे वह पंजाब के अलग अलग कौमियों ने, मैं दर्द देखिया कि 10x10 के घर च 4 परिवार रह रहे, और 10x10 के 3 मंजिला मकान च 10 जिने किस तरह रोटी खा रहे, और कैप्टन साहब कह रहे 2 लाख ले लो, 5 लाख ले लो, जो 25 लाख का वादा होया सी तो 25 लाख रुपया क्यों नहीं दिता जा रहा? मेरी इको डिमांड है कैप्टन साहब अगे कि कैप्टन साहब तुम वादा किया सी पंजाब की जनता नाल कि मैं 4 हफ्तों में नशा खत्म कराँगा, अज 52 हफ्ते बीत चुके, महीने बीत चुके, लगभग 125 हफ्ता बीत चुका, लेकिन कैप्टन साहब को कुछ याद नहीं, कैप्टन साहब सब चीज़ा भूल चुके हैं। और अज की यह जोड़ा साडा धरना कैप्टन याद कराने वास्ते धरना कि कैप्टन साहब चेतो, तुहानू वादा सी नौकरियां देने का, 62 लाख नौकरियां नहीं दित्तियां, 53 लाख मोबाइल देने की गल सी, 51 लाख मोबाइल तुम नहीं दिते, 90,000 करोड़ रुपए का कर्जा किसानी कर्जा माफ करने की गल की सी, तुसी नहीं किया। अज पंजाब की जनता काले चोगे पा के कैप्टन साहब धरनिया तो बह गई, ए भैणा भरा बच्चे छोटे छोटे सड़कों पर आके बह गए ने, आवाज़ दे रहे हैं कि कैप्टन साहब बस नहीं चाहता, कैप्टन तेरी सरकार नहीं चाहता, पंजाब तेरी सरकार, नशीले माफिया कौन कंट्रोल कर रहा? कैप्टन साहब कड़ी फैक्ट्री तो सीरा है, अज तक तुम जवाब क्यों नहीं देंगे? पे सीरा तो नहीं ना कि बनया, इथनोल तो नहीं कि बनी, और राणे की मिल चो आया कि सरने की मिल चो आया? कैप्टन साहब जवाब देना पेगा। 550 टिकाने जोड़े तुम्हें इंटैलीजेंसी डिपार्टमेंट ने कहे थे जिसों नशीली जहरीली शराब डिस्ट्रीब्यूट हो रही, उन्होंने कार्रवाई क्यों नहीं हुई? कैप्टन साहब जवाब देना पेगा। कैप्टन साहब वो विधवावान 125 विधवावान और मावं और छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे तो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, कैप्टन साहब सानू इंसाफ कदों मिलेगा? साड़ी डिमांड है एक नौकरी हर परिवार को मिले, साड़ी डिमांड है 25 लाख रुपया मिले, साड़ी डिमांड है इस माफिया की जानकारी जांच CBI को और हाईकोर्ट के सिटिंग जज को कराई जाए। तरुण जी, उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह पीड़ितों को मुआवजा दे चुके हैं, 5 लाख रुपया दे चुके हैं, और वादा भी कर चुके हैं कि योग्यता के आधार पर नौकरी भी दी जाएगी, जिहड़े अपंग हुए हैं जिस तरह उन्होंने अखों की रोशनी चली गई है उन्होंने भी 5 लाख रुपया मिलेगा, 2 करोड़ कुछ रुपये दे के भी गए सन, क्या वो ना काफ़ी है तुम मांगते हो? देखो 25 लाख रुपया देना चाहिए, 25 लाख तो घट ना काम नहीं चलता, और एक नौकरी अज ही और चिट्ठी देनी चाहिए है, वादा नहीं चल सकता, वादे नाल है वादे मुकर सरकार, क्या हुण जिहड़ा इहदा नैक्सस हैगा उहनूं भन्नण दे उत्ते पंजाब सरकार वल्लों कमी कोई नहीं छड्डी जा रही, जगह जगह पर शराब फड़ी जा रही है, नाचल उन्होंने फड़िया जा रहा, देशियों फड़िया जा रहा, क्या तुहानूं लगता कि ये काफ़ी नहीं है? असी जो काफ़ी नहीं है, ही कुछ नहीं, असी छोटे छोटे जोड़े कोरियर ने उन्होंने फड़ रहे हैं, जोड़े किंग भी ने डिस्ट्रीब्यूटर ने जिन्हों तो शराब पैदा हुई उन्होंने भी फड़ नहीं रहे, किस तरह चलेगा पंजाब? पंजाब की जनता डिमांड कर रही है किंग अखीन फड़ो, और वो हाथ चाहे कि व्डा हो जरा नशा बेच रहा जहरीली शराब बेच रहा बचना नहीं चाहिए। एक पीड़िता ने पीड़िता की वोटी ने इस गल उठाया, एक MLA का नाम लिया, उन्होंने MLA का PA भी इस शराब के कारोबार के है, उत तक कोई हाथ नहीं पहुंचा, ईवन वो पीड़िता के खिलाफ परचा दर्ज करने की गल कही जा रही है, क्या इस तो साफ जाहिर होता है कि सरकार कितने ना कितने इन्हों हाथों के सारा नच चल रहा है? कि पूरी तरह सरकार इस चीज दबा लगी है, कैप्टन साहब 4 महीनों बाद 120 दिनों बाद अपने 7-स्टार फार्म हाउस से बाहर आए, वो भी जनता ने जाके मिले नहीं, दूरों दूरों दर्शन देने ना, जिस तरह उस तरह दर्शन देते, लोकतंत्र च नहीं चलता, और जवाड़ा शाही लोकतंत्र च नहीं चल सकता। सन BJP के राष्ट्रीय सचिव तरुण चुग जोड़े कि अज BJP पूरे 117 हल्कों के प्रदर्शन कर रही है, अमृतसर की गल करिए तो अमृतसर 5 विधानसभा हल्कों के बाद प्रदर्शन किया जा रहा है, वक्त तरुण चुग हाल बाजार के बाहर जहरीली शराब के खिलाफ
अज धरने से बैठे सन जिन्होंने मांग की है कि नैक्सस जोड़ा है उसमें जग जाहिर किया जाए, उन्होंने सामने लिया जाए और किड़ा माफिया है, किड़ा उसको संरक्षण दे रहा है, उसका नाम ही सामने आना चाहिए है ता जो लोगों को पता चल सके कि नशे का कौन सुदागर है। कैमरा पर्सन विपन के नाल ज्योति बहल बेनीफेरा टीवी अमृतसर। ऑल वर्ल्ड ओपन चैलेंज 17 टाइम गोल्ड मेडलिस्ट मियां रफीक मोहम्मद पंडित मौलवी बेगम तांत्रिक इन चोरा ठगा तो सावधान। स्पेशलिस्ट वशीकरण सट्टा नंबर लव मैरिज पति पत्नी च अनबन विदेश च पक्का होना कारोबार दा ना चलना सिर्फ 31 घंटिया विच समाधान। फ्री 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 मियां रफीक मोहम्मद मोबाइल 84374 9947 84374 9948। देश दुनिया की हर वड्डी खबर के लिए हुणे डाउनलोड करो नंबर 1 न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स।